नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। चलिए बात कर लेते हैं चार मिनट में 18 मंडल की। देवरिया में रामपुर कारखाना थाना क्षेत्र के सिंधुआ गांव में बरसात के पानी को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़े, दो की मौत, आधा दर्जन लोग घायल, जिला अस्पताल में एडमिट, एसपी संकल्प शर्मा ने लिया जायजा। आगरा के भा में सीएससी केंद्र पिनाहट का मुख्य चिकित्सा अधिकारी आगरा डॉक्टर अरुण श्रीवास्तव ने लिया औचक निरीक्षण। स्वास्थ्य केंद्र परिसर में इमरजेंसी में पर्याप्त व्यवस्था नहीं मिलने पर फार्मासिस्ट को लगाई जमकर फटकार, दिए जरूरी दिशा निर्देश। सहारनपुर में जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड से मरीज महिला ने परिजनों संग चुराई व्हीलचेयर, घटना सीसीटीवी में कैद हुई। घर ले जाते वक्त महिला परिवारजन उस व्हीलचेयर को भी रिक्शे में रख रहे थे। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अलीगढ़ की खैर तहसील के नगर पंचायत टप्पल में आदमखोर लंगूर से भय का माहौल बना हुआ है। आदमखोर लंगूर ने पीआरओ, पुलिस के चालक और सहित 11 लोगों को गंभीर कर दिया। घायलों में से तीन की हालत नाजुक बनी हुई है। डॉक्टर ने तीनों गंभीर घायलों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया है। कासगंज में भारतीय किसान यूनियन स्वराज्य के नेता की दबंगई आई सामने। महिला सुरक्षा के दावों का मखौल उड़ाते रहे भारतीय किसान यूनियन स्वराज का नेता। बीच हाईवे पर जमीनी विवाद को लेकर महिला और उसके परिजनों को जमकर भी पीटा। जमीनी विवाद को लेकर दबंग पिता पुत्रों ने महिला और उसकी विवाहित बेटी के साथ जमकर मारपीट की है। आगरा में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की बाइक से गिरकर हुई मौत। बाइक पर बैठकर गई थी महिला, गिरने से हुई थी घायल। घायल महिला को परिचित ने छोड़ा घर। घायल महिला की रात के समय हुई मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की ली जानकारी।